नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात सुपौल जिले में लगभग 200 से ज्यादा जवानों की खाने में सल्फास मिलने से तबियत बिगड़ गई। आपको बता दें कि वही जवान है जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सुपौल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर लगभग 250 जवान जो है गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बीती रात इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ही इन्हें उल्टियां आना शुरू हो गया और उसके बाद लगभग 200 से ज्यादा जवान अभी अस्पताल में भर्ती हैं। में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वीरपुर भीमनगर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं और 15वीं बटालियन में प्रशिक्षण के लिए आए करीब 250 जवानों की तबियत एकाएक बिगड़ गई। जवानों को वीरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। खाना खाते ही सभी जवानों को उल्टी दस्त शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, सुपौल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं और 15वीं बटालियन में प्रशिक्षण के लिए आए प्रशिक्षुओं के खाने में सल्फास की गोली मिली। वहीं खाना खाने से कई प्रशिक्षुओं की तबियत बिगड़नी शुरू हो गई। जवानों का आरोप है कि उन्हें दिया गया खाना खराब था और उन्हें रसोई में सल्फास की पुड़िया भी मिली। वहीं आपको बता दें कि रविवार दोपहर को खाना खाने के बाद जवानों की तबियत बिगड़ने लगी, उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, रात 10 बजे तक वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच चुके थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भीमनगर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार और वीरपुर SDM नीरज कुमार भी अस्पताल पहुंचे। वहीं प्रशिक्षु जवान मुकेश कुमार ने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान लगातार खराब खाना दिया जा रहा था। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो जवान है वो अस्पताल में बीमार पड़े हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि जवान कई बार इसका विरोध भी कर चुके थे। मुकेश ने बताया कि रविवार को जब जवानों की तबियत बिगड़ी और वो रसोई में गए तो उन्हें वहां सल्फास की पुड़िया मिली। वहीं इलाज में भी कोताही का आरोप लग रहा है। इलाज के दौरान मात्र एक चिकित्सक होने के चलते बीमार जवानों के उपचार में देरी होने से अनुमंडल अस्पताल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षुओं ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। जवानों का कहना था कि इतने बड़े अस्पताल में मात्र एक चिकित्सक के द्वारा इलाज किया जा रहा है, ये इलाज होते होते सुबह हो जाएगी और इतने समय में किसी की जान बचेगी और कौन रहेगा, ये कहना मुश्किल है। वहीं इसी क्रम में कई जवानों ने बताया कि अस्पताल में किसी भी दवाई की सुविधा नहीं है, सभी दवा खरीद कर लाना पड़ रहा है। देखिए, पूरी घटना सुपौल से है, जहां पर विशेष सशस्त्र बटालियन के जो प्रशिक्षण करने सुपौल पहुंचे थे उनके खाने में सल्फास की गोली मिली है और लगभग 250 जवान अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।